नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मंत्र योग। मंत्र एक ऐसा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण तत्व है जो प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष क्रिया प्रणाली को भी प्रभावित करता है। प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों आदि में मानव विकास एवं विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के मंत्रों का वर्णन मिलता है। मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सोचना अर्थात विचार करना। मंत्र वह है जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो। मुख से उच्चारित मंत्राक्षर सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। उसमें सन्निहित तीन ग्रंथियों, षटचक्रों, षोडश मात्राओं, 24 उपत्तिकाओं एवं 84 नाड़ियों को झनकृत करने में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है। कहा भी गया है, जिसके मनन करने से त्राण हो जाए वह मंत्र है। मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन, समाधि, मोक्ष की प्राप्ति ही मंत्र योग है। मंत्र का अर्थ एवं परिभाषा। मंत्र अर्थात विचार। मंत्र यह एक प्रकार से ऐसा शब्द है जिससे यह समझ में आता है कि जिससे जप या रटन द्वारा मन उन्नत होकर उच्च लक्ष्य पर स्थित होता है। वर्णों का विशेष संयोजन ही मंत्र है। वर्ण अपने आप में शक्ति रूप है। मंत्र शब्द का शब्दार्थ हम इस प्रकार समझते हैं। मंत्र शब्द मन धातु से षटन प्रत्यय लगाकर विनिर्मित है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मन्यते जायते आत्मनो देशनेन इति मंत्रः, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा का आदेश एवं स्वयं का बोध हो वही मंत्र है। मंत्र की इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर वर्णन मिलता है, मन्यते विचार्य आत्मदेशो येन स मंत्रः, अर्थात जिसके माध्यम से आत्म जगत का विचार किया जाए वही मंत्र है। मंत्र की परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार समझते हैं, जिसके द्वारा परमपद में अवस्थित आत्माओं का अथवा पक्ष आदि देवों का सम्मान सत्कार किया जाए उसे मंत्र के रूप में निरूपित किया जाता है। मंत्र की रचना नहीं की जाती, वे तो अवतारित होते हैं और यह अवतरण ऋषि मुख से होता है। ऋषि एक ऐसा दिव्य यंत्र एवं उपकरण होता है, वहां मंत्र अवतरित होते हैं और उच्चारित होते हैं। मंत्रों के भेद। मंत्रों के कई प्रकार हैं। मंत्र का प्रथम प्रकार है मूल मंत्र अथवा महामंत्र। अन्य सभी मंत्र इसी महामंत्र से उद्भूत हुए हैं। महामंत्र से उद्भूत इन मंत्रों का भेद कुछ इस प्रकार है। गुणानुसार मंत्र भेद सात्विक, राजसिक और तामसिक। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वैदिक एवं पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, लौकिक मंत्र और साबर मंत्र। लिंग भेदानुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग मंत्र। अक्षर संख्यानुसार पिंड, कर्तरी, बीज, माला और मंत्र। सिद्धि प्रदायानुसार सिद्ध, साक्ष, सुसिद्धि, अरिमंत्र। मंत्र एवं मंत्र दीक्षा। मंत्र मनन एवं चिंतन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का प्रथम चरण है मंत्र दीक्षा। दीक्षा आध्यात्मिक दवा है, जिसके माध्यम से साधक के अंदर एक ऐसा रूपांतरण घटित होता है जिससे वह मंत्र की साधना के लिए पात्रता अर्जित करता है। पात्रता ही दीक्षा की दिशा तप करती है और इसी पात्रता के अनुरूप वह अपने गुरु से मंत्र के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है। इस पूरी प्रक्रिया को मंत्र दीक्षा कहते हैं, क्योंकि दीक्षित साधक के अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया का माध्यम मंत्र है। दीक्षा के अनेक भेद हैं। दीक्षा कई प्रकार की होती है। तेज ग्रंथों में इसके अनेकों भेद मिलते हैं। यह शिष्य की श्रेणी पर आधारित है। शिष्य एवं साधक की पात्रता के अनुरूप ही उसे विभिन्न प्रकार की दीक्षा प्रदान की जाती है। रुद्रायामल तंत्र में दीक्षा के तीन भेद हैं, शक्ति दीक्षा, सांभवी दीक्षा और मांत्री दीक्षा। मंत्र जप हेतु प्रयुक्त आसन।
मंत्र जप की प्रक्रिया में आसनों का महत्व अधिक है, क्योंकि हर एक मंत्र के साथ एक ही आसन के साथ योग नहीं होता। ऐसे अनगिनत मंत्र है जिनके लिए आसन की विशिष्टता अधिक है। आसन का तात्पर्य दो प्रकार से होता है। संस्कृत व्याकरण पाणिनि के आसन शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके अर्थ पर प्रकाश डाला गया है। आसन अस धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने से बनता है। इसके दो अर्थ होते हैं, बैठने का विशेष ढंग जैसे पद्मासन, वज्रासन आदि, दूसरा आसन विशेष जैसे मृगासन अर्थात मृग की चमड़ी का आसन। पहले अर्थ के अनुसार उन आसनों का वर्णन आता है जिसे यौगिक प्रक्रिया कह सकते हैं। गोरक्ष संहिता, घेरंड संहिता, शिव संहिता, हर प्रदीपिका आदि ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। दूसरे अर्थ के अनुसार आसन विशेष यानी कि जिस पर हंस बैठते हैं। मंत्र सिद्धि में दोनों आसनों का अपना महत्व है। मंत्र जप की प्रक्रिया, मंत्र वह है जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो। परिष्कृत व्यक्ति की पारिमार्जिक वाणी से जिसकी साधना की जाए, जिसमें श्रद्धा हो तथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन ना करके गोपनीय रखा जाए। जप की प्रक्रिया में चार तथ्य काम करते हैं, ध्वनि, संयम, उपकरण और विश्वास। मंत्र का मनोदैहिक प्रभाव। मंत्र की दैहिक प्रक्रिया बताते हुए वैज्ञानिकों का कथन है कि शब्द शक्ति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होती है जो मस्तिष्कीय स्नायु प्रवाह पर वांछित प्रभाव डालती है तथा सक्रियता प्रदान करती है एवं विकृत चिंतन प्रणाली को रोकती और मनोविकारों को मिटाती है। मंत्र का मनुष्य के सूक्ष्मगत संस्थानों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शारीरिक मानसिक रोगियों पर ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त ध्वनियाँ शरीर, मस्तिष्क एवं नसों के क्षोभ को शांत करके उसमें पुनः साम्यावस्था लाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आरोग्यता प्राप्त होती है। अतः उपयोगी ध्वनि मंत्र के जप से मस्तिष्क के सूक्ष्म केंद्र कंपित किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म केंद्रों में क्रियाशीलता होती है। मंत्र के न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रभाव पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। मंत्र विधि के द्वारा श्रवण ग्रंथियों, स्वर ग्रंथि से लेकर मस्तिष्क तक स्वसंचालित तंत्रिकाओं का जाल क्रियाशील होता है। मुख से उच्चारित मंत्र तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न कर सुप्तावस्था में पड़ी स्नायु कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। मंत्र के चिकित्सकीय प्रारूप में एक साथ कई संस्थानों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्मकांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान, साधन, पुरुषचरण करना होता है। विधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए सिद्ध होता है। धन्यवाद।